तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M6 Pro 5G का, ये जो मेरे पास फ़ोन है इसकी प्रॉब्लम के बारे में। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है अगर आप प्लानिंग कर रहे हो पोको M6 Pro 5G खरीदने के लिए, या फिर खरीद चुके हो तो मुझसे रिलेट कर पाओगे कि ये सारा प्रॉब्लम आपके साथ भी साइज से हो रहा है, एंड मेरे साथ क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हो रहा है वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। शायद आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एक अच्छा सजेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो इसमें हीटिंग इशू है। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पर अगर मैं गेम प्ले करता हूँ ना, स्पेशली गेम प्ले के ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें गेम प्ले करता हूँ BGMI थोड़ा मतलब घंटों तक यहाँ पर अगर खेल लेता हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा के यहाँ पर अगर मैं खेल लेता हूँ तो यहाँ पर हीटिंग इशू आ जाता है। एंड इसके इस पार्ट में ये जो देख पा रहा हूँ ना ब्लैक वाले एरिया ये वाला, एंड इस पार्ट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्म टाइप का आपको फील होगा, एंड आप गेमिंग करोगे तो यहाँ पर आपको हीटिंग इशू देखने के लिए मिल सकता है, एंड मुझे तो मिल रहा है। अगर आप परचेज़ किए हो तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पर अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पर देखो कैमरा आपको ठीक मिल जाता है, यहाँ पर आपको बैक में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। कैमरा में एक चीज़ यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, शायद से बहुत सारे लोगों को पसंद आए लेकिन मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आता, क्योंकि जो हमारा फोटो आता है ना उसमें कलर यहाँ पर थोड़ा कम मिलता है देखने के लिए, बट फोटो क्लियर आता है। ऐसा नहीं है कि फोटो खराब आएगा, फोटो क्लियर आएगा, आप उसे एडिट करके यहाँ पर फोटो को कलर इन्हेंस कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जो मैंने ओपन किया ना, एंड देख पा रहे हो इसका जो कलर है, एंड मेरे जो कैमरे से ये कलर आ रहा है ना, ये देख पा रहे हो येल्लो टाइप का कलर अच्छे से आ रहा है, एंड बट मैं इसमें यहाँ पर अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे को ऑन करके, तो देखो इस कलर एंड इस कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो येल्लो आपको पूरा क्लियर येल्लो दिखाई दे रहा है, एंड ग्रीन के भी यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये ग्रीन एंड इस कैमरे के ग्रीन यहाँ में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। मतलब कहना चाहूँ अगर मैं आपको, तो यहाँ पर देखो इसमें कलर की कमी यहाँ पर बैक कैमरा में हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि आप इससे फोटो क्लिक करके बाद में सेचुरेशन वगैरह मिला सकते हो, कलर बढ़ा सकते हो, बट अभी के लिए यहाँ पर देखो कलर जो डायरेक्ट कैमरा में इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है डायरेक्ट कैमरा, एंड यहाँ पर मैं अगर कैमरा ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो हमें कलर कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम लोगों के लिए हो सकता है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगा तो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। थर्ड इशू की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो जब भी मैं BGMI गेम प्ले करता हूँ, ठीक है, एंड ये थोड़ी देर के लिए स्मूथ चलता है, एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर लेग महसूस होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, जो कि काफ़ी सारे और भी मोबाइल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बट मैं यहाँ पर मैं अगर गेम प्ले करता हूँ थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है। मतलब हीटिंग इशू तो मिलता ही है, साथ में यहाँ पर लैग भी करता है। मैं इसमें अगर गेम प्ले कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब 15-20 मिनट तक आपको अच्छा मिल जाएगा गेम प्ले, बट अगर ज़्यादा देरी के लिए आप गेम प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप लैग वगैरह देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ये वाला फ़ोन आपको अच्छा सारे परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, आप गेम प्ले भी छोटे मोटे कर सकते हो, बट लंबे समय के लिए यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लंबे समय तक आप इसमें गेम प्ले करोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको लैग फील होने वाला है, एंड आप उतने अच्छे तरीके से गेम प्ले नहीं कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप गेम प्ले कर ही नहीं सकते हो, आप गेम इसमें खेल सकते हो थोड़ी देर के लिए। मतलब अगर आप घर में बच्चे हैं एंड वो थोड़े बहुत गेम प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। बट जो पूरे गेम ही में खेलना चाहते हो, पूरा गेम में ही टाइम का इतना बिताना होगा, तो उसके लिए आपको अच्छा है गेमिंग फ़ोन खरीदना होगा। ठीक है, फोर्थ इशू की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक इशू मुझे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर इसकी चार्जिंग स्पीड। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको 18 वाट का यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट करता है, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिलता है, जिसे फुल चार्ज करने में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके कंपैरिजन में मैंने M2 Pro भी यहाँ पर चलाया हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर चार्जिंग हो जाता है, बट चार्जिंग एक इशू यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर स्लो आपको यहाँ पर चार्ज होता है। साथ जो चार्जर आता है उससे तो और काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर स्लो टाइप का चार्ज होता है, फास्ट है बट उतना एक्यूरेसी नहीं है। अगर आप स्विच ऑफ करके चार्ज करते हो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है, आप अगर चार्ज कर लेते हो तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप अच्छा निकाल कर दे देता है, एंड आप इससे अपने डे टू डे लाइफ की सारे टास्क वगैरह मैनेज कर सकते हो। बाकी देखो इसे मैंने हाइपर ओएस के साथ अपडेट कर दिया है, एंड हाइपर ओएस अपडेट करने के बाद इसमें जो गेम प्ले है ना वो कैसा देखने के लिए मिलता है अगर आपको नहीं पता है तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कंप्लीट गेम प्ले आफ्टर हाइपर ओएस अपडेट के आपके सामने प्ले करके खेल कर दिखाया हुआ है। ठीक है, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पाए, कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हो।